हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट पर्सन कोच एजेंट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम आपके साथ डिफेंस अपडेट को शेयर करेंगे, तो चलिए दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट की ओर एक नजर देख लेते हैं। दोस्तों हम पहले डिफेंस अपडेट जो निकल के आ रहे हैं इंडियन नेवी को लेकर, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के लौटने के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव काफी कम हो गया है, लेकिन हमारी नेवी जो है दोस्तों कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। हमारी नेवी अभी लेटेस्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास जो अपडेट्स आए कि भाई पाकिस्तान जो है समंदर के रास्ते इंडियन पोर्ट्स पर स्ट्राइक कर सकती है, इसी के लिए दोस्तों हमारी नेवी तैयार है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी हमारी सबसे एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS कलवरी को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन इस सबमरीन को किस मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया उसके लिए हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। दो दिन पहले अपडेट आया था कि इंडियन नेवी के सारे वॉर फ्रंट लाइनर शिप्स जो है रेडी टू अटैक कंडीशन में वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर तैनात किए गए हैं और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। नेवी ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी हमने टेररिस्ट के खिलाफ जो स्टेप्स लिया है तो उसे रिकाउंटर करने के लिए दोस्तों टेररिस्ट जरूर कोई अटैक कर सकते हैं, इसके लिए हमारी नेवी पूरी तरीके से तैयार है, जो कि काफी अच्छी न्यूज आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। इंडियन एयरफोर्स ने जो है दोस्तों 26 फरवरी को जो एयर स्ट्राइक किया था, इसके चलते हमने सारे प्रूफ जो है एयर चीफ मार्शल धनोआ सर ने इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए है। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से ये फोटोज क्लिक किए गए थे और हमने वहां पर जो है चार बिल्डिंग्स के ऊपर मिराज 2000 से स्पाई 2000 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिराए थे और यहाँ पे दोस्तों इमेजेस में ये पता चल रहा है कि वो जो टारगेट था दोस्तों कम्प्लीटली एक्यूरेटली हिट हो गया था। इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई है दोस्तों इसके तो कोई अभी एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास आई नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सोर्सेज की माने तो करीब 250 टेररिस्ट की इसमें डेथ हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की ओर। दोस्तों तीसरा अपडेट जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है मसूद अजहर को लेकर। जैश मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर को लेकर अभी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने फॉरेन मीडिया के सामने बता दी कि मसूद अजहर अभी पाकिस्तान में ही और इंडिया अगर पाकिस्तान को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है तो पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेगा। इसके बाद दोस्तों एक न्यूज और भी निकल के आई थी कि मसूद अजहर की किडनी खराब हो गई और उसे जो है रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए एडमिट किया गया। अब ये कितनी रियल न्यूज है दोस्तों इसका तो मुझे कोई पता है नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मसूद अजहर डर गया है या तो फिर पाकिस्तान दूसरे देशों की सिंपैथी लेने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। अब दोस्तों पे बात करते हैं पांचवें डिफेंस अपडेट की जो आ रही है डिफेंस मैगजीन को लेकर। यहाँ पे दोस्तों नेशनल डिफेंस मैगजीन ने जो है ये कहा है कि रशिया का जो MiG-21 है इस वक्त इंडिया के पास जो मौजूद है उसे 2017 में ही अपग्रेड कर दिया गया था और ये फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 के लेवल का फाइटर जेट हो गया है। लेकिन दोस्तों इस बात से मैं इनकार करता हूँ क्योंकि MiG-21 जो है दोस्तों ये थर्ड जनरेशन प्लेन है। दोस्तों F-16 जो है लेटेस्ट प्लेन है, 2002 में ही जो है पाकिस्तान को अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोई एंगल से ऐसा मुझे कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। 2014 से लेके अभी तक 21 MiG-21 क्रैश हुआ है जिसमें हमारे 12 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है। फिफ्थ अपडेट की बात करें दोस्तों वो आ रहा है MiG-21 को लेकर। एयरो इंडिया शो 2019 के दौरान जो MiG-21 ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था वो एक MiG-21 का अपग्रेडेड मॉडल था और ये वही फाइटर प्लेन था जो अभिनंदन लेकर उड़े थे। ये MiG-21 नंबर 51 स्क्वाड्रन स्क्वाड आर्म का हिस्सा था और एयरो इंडिया शो के बाद इस प्लेन को और अभिनंदन को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की डिफेंस अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम जो आपके लिए ऐसे डिफेंस अपडेट पर्सन कोच गजेंद्र अनबॉक्सिंग और टेक्निक्स लाते रहे। आज की इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।